गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन एंड टू हेल्प दिस स्टेटमेंट वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, यानी कैश बुक और पासबुक में होने वाले डिफरेंस को दूर करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। देखिए, जो कैश बुक जो होता है वो बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और कैश बुक में क्या, कैश बुक का आपका बैंक कॉलम, ध्यान दीजिएगा, कैश बुक का बैंक कॉलम। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो, यानी चेक से पैसा आए, चेक से पेमेंट हुआ, NEFT हुआ, PTC, ठीक है ना, ये सब। और आपका पासबुक जो होता है वो बैंक का बुक होता है, यानी बैंक के पास रहता है। और यही कैश बुक और पासबुक में होने वाले डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस खड़ा हो जाता है। इससे मान के चलिए पहला एक हो गया आपका कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक चेक इशू किया किसी पार्टी को, ठीक है, तो इस महीने में हमने इशू किया। ये कौन सा महीना चल रहा है आपका, हाँ, ये महीना का चल रहा है जुलाई। तो जुलाई में अगर हमने किसी पार्टी को चेक से पेमेंट किया और वो पार्टी जुलाई में नहीं था कि अगस्त में बैंक में प्रेजेंट किया, तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि एक चेक की वैलिडिटी 3 महीने तक की होती है। तो अगर हम अभी पेमेंट किए और वो नेक्स्ट मंथ में जाकर प्रेजेंट हुआ, इस कारण से क्या होगा, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। सेकेंड हो सकता है आपका चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक। हुआ क्या कि हमने चेक बैंक में जमा किया और बैंक ने अभी हमको क्रेडिट नहीं किया। तो हमने जमा किया तो हम तो सोचेंगे भाई मेरे अकाउंट में पैसा आ गया होगा, हम अपने यहाँ कैश बुक में यानी यहाँ पर अपने आप को इंक्रीज करके दिखा दिए होंगे कि मेरे पास बैंक में पैसा आ गया, और बैंक ने क्या किया, अभी हमको क्रेडिट नहीं किया, इस कारण से कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस खड़ा हो गया। तो हम आप लोग के सामने एक अपना एक्सपीरियंस रखना चाहते हैं कि जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ट्यूटर ऐसा बता रहे थे कि भाई आप लोग इस चीज़ को रट लीजिए, यानी कि कौन कौन सा ऐड होगा, कौन कौन सा लेस होगा। तो रटने के कारण होता क्या है कि आप तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग समझिए और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 1 by 1 करके, जिससे आपका और सारा चीज़ क्लियर होते चल जाए, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।